ओके सो अस्सलाम वालेकुम। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसकी डिवीजन है, आगे इसकी क्या डिवीजन्स हैं और वो क्या काम करती हैं। सो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्रैंड नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली इसकी दो मेन डिवीजन्स होती हैं। उन दो मेन डिवीजन्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसके अंदर आप सबको पता है कि क्या चीज़ आती है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये हमारी डोमेन्स नहीं है आज के टॉपिक में या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टॉपिक में, सो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल में नहीं जाएंगे। अब अगर मैं ऐसे जनरली यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, और ये नीचे सारे का सारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो क्या हो गए हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास आती हैं एफरेंट और ईफरेंट्स। क्या चीज़ें आ जाती हैं, एफरेंट्स आती हैं और दूसरी चीज़ क्या आती है, ईफरेंट्स आती हैं। एफरेंट और ईफरेंट से क्या मुराद है कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो चीज़ लीव करती है और पेरीफ्रल टिश्यूज़ के पास जाती है और पेरीफ्रल टिश्यूज से आके इंटर करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को, ये जो इंटर करती है ये दोनों असल में क्या है, पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम। ये सारे का सारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये न्यूरॉन्स जो इसको लीव करती हैं और इंटर करती हैं पेरीफ्री की तरफ, या तो जा रही हैं इंफॉर्मेशन लेके या पेरीफ्री से इंफॉर्मेशन ले की आ रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, एक वो न्यूरॉन है जो पेरिफेरी से, ऑर्गन से, विजरा से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आती हैं कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एफरेंट, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एफरेंट डिवीजन है और ईफरेंट डिवीजन है। एफरेंट वो डिवीजन है जो मोस्टली हमारे पास क्या होती है, सेंसरी है। क्या है, सेंसरी है, और ये पेरिफ्रल टिश्यू से इंफॉर्मेशन लेके आती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ईफ्रंट डिवीजन जो है ये मोटर होती है और ये इसके रिस्पॉन्ड में मोटर इंफॉर्मेशन लेके जाती है पेरिफ्रल टिश्यूज की तरफ। सो ईफ्रंट क्या है, एक तो ये मोटर डिवीजन है, दूसरा इसका क्या काम है कि ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफ्रल टिश्यूज के पास। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा हाथ है और इसको कोई गर्म चीज टच कर रही है, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस ईफ्रंट न्यूरोन के थ्रू मेरे हाथ को इनर्वेशन देगा और कहेगा हाथ पीछे कर लो, तो मैं अपना हाथ पीछे कर लूंगी, ठीक है। ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन करता है पेरिफेरल टिश्यूज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में। अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि ये जो ईफ्रंट है ना, ये जो ईफ्रंट न्यूरॉन्स हैं, इनको हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये जो ईफ्रंट डिवीजन है इसको हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि ये किसको जाके इनर्वेट कर रही है। हो सकता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के न्यूरॉन्स आ रही हैं, ये मेरे ऐसे टिश्यूज़ को इनर्वेट करें जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में हों, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स, ठीक है, क्या हों, वॉलेंट्री कंट्रोल में हों। तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये ईफ्रंट का कौन सा पार्ट है, सोमेटिक पार्ट है, क्योंकि ये उन ऑर्गन्स को, उन विजराज को, उन मसल्स को इनर्वेट करता है जो मेरे कंट्रोल में हैं। और यही ईफ्रंट हो सकता है कि किसको जाके इनर्वेट करती हूँ, ऐसे ऑर्गन को, फॉर एग्जांपल हार्ट को, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल हार्ट को सप्लाई कर रही है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये ईफ्रंट की कौन सी ब्रांच है जो मेरे कंट्रोल में है, सोमैटिक, और ये कौन सी ब्रांच है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हम अपनी चीज़ पे पहुँच गए कि नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन हैं, सेंट्रल और पेरिफ्रल। सेंट्रल की आगे दो हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफ्रल में दो पार्ट्स आते हैं, वो जो इंटर करता है एफरेंट और वो जो लीव करती है ईफ्रंट। अब ईफ्रंट ने जाके पेरिफ्रल ऑर्गन्स को, टिश्यूज को इनर्वेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ इनर्वेशन के ईदर ये हमारे सोमैटिक ऑर्गन्स को, वॉलेंट्री ऑर्गन्स को, वॉलेंट्री मसल्स को पेनिट्रेट कर रही हैं, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, और ऐसे विजराज को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको कर रहा है तो वो ऑटोनॉमिक होगा, ठीक है। तो ये जो ईफ्रंट है ये भी आगे से क्या है, दो तरह की होती हैं, या तो ईफ्रंट किसके पास जा रही होंगी, हमारे वॉलेंट्री मसल्स के पास, और उसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या ऑटोमैटिक के पास, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है और यही यहाँ लिप्पनकॉट में बनाई हुई है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है,
ये भी आगे से तीन तरह का होता है। क्या होता है? तीन तरह का। एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होगा जो पूरे का पूरा हमारे GIT में होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। अब ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ, लेकिन यहाँ से आपने देख लिया कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, पेरीफ्रल और सेंट्रल। पेरीफ्रल के दो पार्ट्स हैं इफ्रंट और एफ्रंट, जो आती हैं और जो लीव करती हैं। ये जो लीव करती हैं ये आगे से हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वॉलंटरी हैं, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी हैं, और ऑटोनॉमिक आगे से तीन डिवीजन्स हैं, एंटेरिक न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन है और पैरासिंपैथेटिक न्यूरॉन है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में यही बात की हुई है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात आती है बुक की भी, तो जनरल फार्मा ANS लिपमैन कॉट से आपको रीड ज़रूर करना है, क्योंकि इसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कैटजन। है कंटेंट बिल्कुल सेम है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे फालतू लिखी हुई होगी और वहाँ नहीं है, या वहाँ पे लिखी होगी और यहाँ नहीं है। बल्कि हम जब एक चैप्टर यहाँ से कर लिया करेंगे तो मैं कैटजन से आपको रिवाइज भी कराऊंगी, लेकिन समझने के लिए आप इसको पढ़ें और पेपर से पहले रिवीजन के लिए आप मिनी कैटजन को फॉलो करें, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास ये बात हुई है। अब हम थोड़ी सी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर हम पहुँच गए हैं कि डिवीजन है फलां फलां है, और हम किस पे पहुँच गए हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पता है क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगी। अब ये न्यूरॉन एंटेरिक नर्वस सिस्टम की भी होती हैं, पैरासिंपैथेटिक की भी होगी और सिंपैथेटिक की भी होंगी। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स से मुराद है कि इनका एक यूं होगा हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और दूसरा होगा हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। कौन सा फाइबर होगा? प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगा इसकी न्यूरॉन का। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है इसकी, ये सेल बॉडी जो है कहाँ होती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो गैंग्लिया से अराइज होती है उसकी सेल बॉडी, और किसी भी इफेक्टर ऑर्गन को जाके क्या करती है? इनोवेट करती है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने अगली चीज़ आपको समझानी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन्स हैं वो किस तरह से हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को तो हम नहीं देखेंगे, ये सारे का सारा हमारे गट में होता है। GIT का ब्रेन या गट का ब्रेन भी से कहते हैं। ये उसकी मोटालिटी को, सिक्रीशन को, माइक्रो सर्कुलेशन को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसकी डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों की डिटेल में मैं जाऊँगी और वो मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाऊँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे जो है हम क्या आ गए हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पहले मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये दोनों, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि सिंपैथेटिक कब एक्टिव होता है? फाइट या फ्लाइट या स्ट्रेस या ट्रोमा की कंडीशन में। पैरासिंपैथेटिक कब डोमिनेट करता है? रेस्ट और डाइजेस्ट के केस में। तीसरी बात हम देखेंगे इनके ओरिजिन की। अब अगर मैं सिंपैथेटिक की बात करूंगी बच्चों, तो आपको पता है ये ब्रेन है और ये सारे का सारा हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्रेनियल रीजन है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है, ये सैक्रल और नीचे कॉक्स वर्टिब्रा होते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो आप देखें क्या सैक्रम से सिंपैथेटिक का कोई भी फाइबर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। इसके फाइबर कहां से निकलना शुरू होते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा से, T1 से लेके L2 तक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं। तो ये आपने ओरिजिन याद रखना है कि इसका ओरिजिन है थोरेको लंबर। थोरेको लंबर जो है वो इसके फाइबर्स का ओरिजिन है। दूसरी चीज आपने जो समझनी है वो ये देखनी है कि इसके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। सो ये इसका क्या है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। और ये आगे क्या निकल रहा है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकल रहा है, जो जाके क्या कर रहा है? हमारे ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रहा है, विजरास को इनर्वेट कर रहा है। ये चीज समझनी है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है इसकी सेल बॉडी कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है इसकी सेल बॉडी कहाँ से अराइज होती है? गैंग्लिया से। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अगर आप देखो तो बहुत छोटा होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होते हैं? लार्जर होते हैं। क्या ओरिजिन है? थोरेको लंबर ओरिजिन है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग है। तीसरी बात आती है कि इसके ये जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के दरमियान सिनैप्स होनी है, ये कहां होनी है? तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पैरेलल ये गैंग्लिया की चेन पड़ी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक चेन कहते हैं। या तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते साथ इसके अंदर टर्मिनेट होंगे, सिनैप्स कर लेंगे, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें से
बाहर आएंगे, एक ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारे पास इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर गैंग्लियाज में ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर टर्मिनेट नहीं करेंगे बल्कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ से निकलेंगे और सिंपैथेटिक चेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे, और बाहर हमारे पास कोलेटरल गैंग्लियाज होते हैं, मेसेंटेरिक, सीलरी गैंग्लिया वगैरह, उनके अंदर टर्मिनेट करेंगे और फिर क्या बनेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक, और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक जा रहा है आपके विसराज और ऑर्गन्स को जाके इनर्वेट कर रहा है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ रही है कि हमारे पास थ्रेक्कोलंबर इसका ओरिजिन है, इसके प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लार्जर हैं। अब टर्मिनेशन या सिनेप्स की बात करें तो या तो वो सिनेप्टिक चेन के अंदर पड़े सिनेप्टिक गैंग्लिया में होगी अपने ही लेवल में या अपने से ऊपर वाले लेवल में, या फिर चेन को क्रॉस करके कोलेटरल गैंग्लिया में टर्मिनेशन होगी। एक बात और आपने याद रखनी है कि इसके जो प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो एट द सेम टाइम मल्टीपल इफेक्टर ऑर्गन्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। क्या होता है? डिफ्यूज़ होता है। ज़ाहिर है अगर आप सोचें स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब हम होते हैं या हम किसी से लड़ रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, गुस्सा आया हुआ होता है और उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, प्यूपल डायलेट करता है, पूरी बॉडी में स्वेटिंग भी होती है। ठीक है, तो मल्टीपल डिफ्यूज़ एक्शन है इसका। अब अगर मैं पैरासिंपथेटिक की बात करूं